अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है, सब खैरियत? इनोला होम्स का पार्ट 2 का रिव्यू करने वाला हूँ। हाँ, मैंने इनोला होम्स का पार्ट 2 भी देख लिया और ये पार्ट इस मूवी का आखिरी पार्ट है। इसके बाद पार्ट 3 की अनाउंसमेंट हुई भी नहीं है और कोई पार्ट 3 अभी तक मौजूद नहीं है। पार्ट 2 तक है, यहाँ तक कहानी है और पार्ट 2 में देख चुका हूँ। उस मूवी का रिव्यू तुम्हारे सामने करने वाला हूँ। मूवी कैसी है और मुझे कैसी लगी। जहाँ सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊँ ये मूवी किस बारे में, इस बारे में देखने को मिल रहा है। पहली फिल्म में इनोला होम्स खुद को ढूंढने के बारे में थी, लेकिन इस बार हमारे पास इनोला होम्स 2 सीधे सीधे एक डिटेक्टिव स्टोरी है, जिसमें इनोला होम्स ने फेमस बड़े भाई को छोड़ के उसके साथ कदम मिलाने के साथ चलने के अलावा उसको छोड़ देती है और खुद की राह बनाती है और अपने सुपर स्लेथिंग स्किल्स को पॉलिश करती है। वो अभी भी स्मार्ट, पर्सपेक्टिव और फियर्सली इंडिपेंडेंट है। वो अभी भी रूटीनली फोर्थ वॉल को ब्रेक करती है। फोर्थ वॉल को ब्रेक करना यही होता है कि सामने ऑडियंस से बात करना, मतलब कि मैं अगर मूवी देख रहा हूँ तो वो ऑडियंस में जो भी हीरो है वो मेरी तरफ देख के मुझसे बात कर रहा होगा, कोई डायलॉग अपना मुझे कैमरे में देख के बोल रहा होगा। वो चीज़ फोर्थ वॉल ब्रेकिंग कहलाती है। यहाँ मिली बॉबी ब्राउन की परफॉर्मेंस सच में चमक रही है। उनकी कॉमेडी और ड्रामा में शफल करने की एबिलिटी जो है बहुत इंप्रेसिव है और इनोला के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उनके कैरेक्टर में जो ग्रोथ है वो सीधी सीधी नज़र आ रही है, दिख रही है। जहाँ तुम कह सकते हो मिली बॉबी ब्राउन अपने कैरेक्टर को फुली एम्बॉडी करती है, उनकी एफर्ट स्टाइल से वो मूवी को कैरी करती है और तुम कह सकते हो जो उस पूरी मूवी को चला रही है वो तो मिली बॉबी ब्राउन है। ये फिल्म बहुत इंगेजिंग है, स्क्रिप्ट बहुत क्लेवर और वेल रिटन है, कॉस्ट्यूम भी बहुत वंडरफुल है और कैरेक्टर डेवलपमेंट फर्स्ट मूवी से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। मैंने तो इस केपर को पूरी तरह इंजॉय किया है। यही था सब कुछ। तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस ऐसी वीडियो देखनी है चैनल को मारो सब्सक्राइब। मुझसे बस नहीं मिलना, मैं यहाँ मिलूंगा। तब तक देखते रहो महसूस भी। अल्लाह हाफिज़।